रिफंड के लिए इंतजार कितना लंबा होता है, आखिर कितने दिनों बाद टैक्स रिफंड प्रोसेस किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे रिफंड का क्या हुआ। आईटीआर फाइल करने के बाद कितने दिन में आता है रिफंड, जाने पूरी डिटेल। आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे ज्यादा इंतजार रिफंड का रहता है। सब यही जानना चाहते हैं कि उन्हें अपना रिफंड कब तक मिलेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरने का टाइम चल रहा है, लेकिन रिफंड के लिए इंतजार कितना लंबा होता है, आखिर कितने दिनों बाद टैक्स रिफंड प्रोसेस किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे रिफंड का क्या हुआ, ये सारे सवाल अक्सर टैक्सपेयर्स के दिलो दिमाग पर हावी रहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक रिफंड को प्रोसेस करता है। टैक्सपेयर्स के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट से उनके पते पर भेज दिया जाता है। लिहाजा सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आईटीआर फाइल करते समय बैंक का ब्यौरा सही दिया जाए। रिफंड की रकम इसी खाते में आती है। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो रिफंड आने में देर हो सकती है, इसीलिए पहले ही अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए। रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाती है। इस संदेश को डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड के तौर पर आएगी, साथ ही वो एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा। ITR का ही फाइलिंग प्रोसेस पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ हुआ है। यही वजह है कि अगर सही टाइम पर रिटर्न फाइल कर दिया जाए तो रिफंड में काफ़ी तेज़ी होती है, यानी वो बहुत जल्दी आपके खाते में आ जाता है। बीते वित्त वर्ष रिटर्न भरने से पहले 30 दिन के अंदर रिफंड जारी कर दिए गए थे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इनकम टैक्स रिटर्न का काम तेज़ हुआ है। अब बात आती है कि अगर आपने सही समय पर सही तरीके से अपना ITR फाइल किया है तो कितने दिन में रिफंड आएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स रिफंड में लगने वाला समय औसतन 16 दिन रह गया है, जो 2021-22 में 26 दिन था। ये असेसमेंट ईयर 2021-22 में 21% से बढ़कर 2022-23 में 42% हो गया है। गाइज, पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ITR कितने दिन में प्रोसेस हो जाती है। पिछले कुछ ईयर्स से ITR की क्विक प्रोसेसिंग की बात होती रहती है, और आपने भी सुना होगा कि आजकल जैसे ही ITR भरो क्विकली आपका रिफंड आ जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सभी टैक्सपेयर्स रिटर्न प्रोसेसिंग का इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि जिन लोगों की ITR में रिफंड बना है उनका इनकम टैक्स रिफंड तभी आएगा जब ITR की प्रोसेसिंग होगी, और जिन लोगों को डिपार्टमेंट से कोई रिफंड नहीं लेना है उन लोगों की रिटर्न प्रोसेसिंग से यह कंफर्म हो जाता है कि उनकी ITR में कोई गलती नहीं थी। तो ITR की क्विक प्रोसेसिंग जनरली ITR 1 और ITR 4 के केस में होती है, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्म्स ITR के स्मॉल और इजी फॉर्म्स हैं, इसलिए इन ITR फॉर्म्स की प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ITR 1 और ITR 4 गेट प्रोसेस्ड इन अराउंड 15 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ ITR। एक रिकॉर्ड के मुताबिक आयकर विभाग ने 28 जुलाई 2022 को एक दिन में सर्वाधिक 22.94 लाख रिटर्न के मामलों का निपटारा किया था। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने रिफंड स्टेटस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इसे ट्रैक करने के दो तरीके हैं, पहला इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर, दूसरा TIN NSDL वेबसाइट पर। ई फाइलिंग वेबसाइट पर चेक करने के लिए सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं। पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। रिव्यू रिटर्न्स फॉर्म्स पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न्स सेलेक्ट करें। जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं उसका चयन करें। उसके बाद अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपर लिंक पर क्लिक करें। एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग या ई फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा, जैसे कि कब आपका ITR फाइल और वेरीफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख। इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को TIN NSDL वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। फंड भेजे जाने के 10 दिन बाद वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस आ जाता है। इस तरह आप इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो रिफंड आने में देर हो सकती है। क्या आपने अपना ITR फाइल कर दिया? क्या आपने अपने रिफंड स्टेटस के बारे में पता किया?